मंच पर बैठे हुए हमारे कराड़ साहब, अंबेडकर जी और सभी मान्यवर और सभी छात्र बंधु और बहनों, आज का दिन बड़ा सौभाग्यपूर्ण है कि आज के दिन में हमारे देश की जिन्होंने करिश्मा बढ़ाई वो स्वामी विवेकानंद का भी आज जन्मदिन है। उसके साथ साथ हमारे सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज का, माताजी का, जीजाओं का भी आज जन्मदिन है। ये दोनों के प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ। मुझे जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि प्रत्येक वर्ष मैं तरह से इस वर्ष भी MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन पुणे ने 5वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन किया है। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन न केवल हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि युवा की भागीदारी कई नई नई संभावनाओं का भी जन्म देती है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का दिल से बधाई देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर सामाजिक परिवर्तन तक इस संघर्ष में छात्रों का निर्णायक भूमिका रही है। हम देखते हैं कि आजकल विभिन्न छात्र संगठनों में निकलकर कई महानुभाव प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोटने वाले भी विरोध का भी उन्हें विरोध किया है। अब आज जब देश का केवल राजनीतिक एवं आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन की कोशिश के दौर से गुजर रहा है, मेरी कामना होगी कि युवा और परिपक्व छात्रों के हाथों में इसके नेतृत्व की कमान हो। भारतीय छात्र संसद जैसी अच्छी शुरुआत से जहाँ से एक और देश के सभी राज्यों से आए हुए छात्रों और एवं मंच पर भागीदारी का सुनहरा मौका मिलेगा, वही देश की ज्वलंत समस्या और विचारों के आदान प्रदान का अवसर भी प्राप्त हो। भारतीय लोकतंत्र फलद्रुप हुआ है, यशस्वी हुआ है। हमारे देश के लोग कम शिक्षा वाले हैं। स्वतंत्रता के समय में हम बहुत ज़्यादा लोग स्कूलों में नहीं गए, उन्होंने हस्ताक्षर भी नहीं आता था, तो भी लोकतंत्र मजबूत हुआ। इसका कारण हमारे देश की संस्कृति और सहिष्णुता के वाले लोग इस देश में हर दूसरों का आदर करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में समाज का हर वर्ग का योगदान रहा है। हमारी गंडा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल लोकतंत्रों में होती हैं। आपका आयोजन नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से जोड़ने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप में से कई युवा आने वाले समय में राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़कर विधानसभा में युवा सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। मैं 5वीं भारतीय छात्र संसद के सफल आयोजन की कामना करते हुए MIT, SOG और भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही इस आयोजन के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों ने देश भर से आने वाले हजारों छात्र प्रतिनिधियों का को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
ये सारी ये सही है कि भारतीय राजनीति में जाति का महत्व हमेशा से रहा है। जो जाति नहीं वो कभी छूटती नहीं, जाति नहीं उसी का नाम जात कहते हैं। आज भारतीय राजनीति लोकतंत्र जिस मुकाम पर है उसे जाति विशेष की संख्या देखते हुए उम्मीदवार तय होते हैं। और आप देखते होंगे कि इसीलिए भी जाति से ज़्यादा बढ़ावा मिला है, जाति का ज़्यादा सोच हुई है, ये भी एक चुनाव का कारण हो सकता है। जिसमें कारण राजनीति में कई बार योग्यता पर जाति हावी हो जाती है, जबकि होना यह चाहिए कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की योग्यता व समर्पण का प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जाति व्यवस्था भारतीय जीवन की शैली एक अभिन्न अंग बनी है, मगर हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज के सभी तबकों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। भारतीय संविधान में आरक्षण या प्रावधान सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर और वंचित तबकों से सशक्ति के उद्देश्य किया गया है, ताकि ये समाज की मुख्यधारा में अपना स्थान बना सके। आज का युवा पुरानी पीढ़ी की सोच से काफ़ी आगे निकल गया है, उसे पुराने और रूढ़िवादी विचारधाराओं के ज़्यादा पसंद नहीं है। ये एक सकारात्मक परिवर्तन है। भारतीय लोकतंत्र में दृढ़ता से समाज के हर वर्ग का योगदान रहा है। युवा में कष्ट करने की तैयारी हो, शिक्षा के साथ साथ शरीर के मजबूती का ध्यान रखे, बौद्धिक क्षमता बढ़ाए, देश के प्रति समर्पित भावना रखे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। संयोजक ने मुझे यहाँ बुलाया, उसका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।